मोजस ख्वातीनो हजरात, हर्बल वेद यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिटानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे। आज का मेरा टॉपिक है डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन का लफ्ज़ इतना वसी है कि हर उम्र का मर्द, हर उम्र की औरत, बच्चा, नौजवान और हर ममालिक के अंदर लोग इसका शिकार है, डिप्रेशन का। अब पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन है क्या। कुछ फितरी सी बात है कि कुछ आदमी ज़हनी तौर पर उदास या मायूस महसूस करे, लेकिन जब मुस्तकिल तौर पे उसमें चिड़चिड़ापन शामिल हो जाए, उससे बात की जाए तो वो लड़ने के ऊपर आ जाए, सख्त रवैये से बात करे, तो इसको मैं अपनी ज़बान में डिप्रेशन कहता हूँ। अब डिप्रेशन के बारे में अलामात, जज्बातीपन। सबसे पहली बात यह है कि मरीज़ बहुत जज्बाती होता है, छोटी छोटी बात पे झगड़ने पे आ जाता है, दलाइल पे आ जाता है, ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाता है, ज़िंदगी से दिलचस्पी लेना छोड़ देता है, घरेलू मामलात के अंदर दिलचस्पी उसकी ख़त्म हो जाती है। अगर उसको जो कोई काम मिला होता है, स्टूडेंट है तो पढ़ाई छोड़ देता है, अगर वो कोई पढ़ाने वाला है तो पढ़ाई वाला काम छोड़ देता है। और जिस्मानी अलामत उसकी ये होती है कि हर वक्त वो थका होता है, नींद बिल्कुल नहीं आती, कभी नींद उसको आधी रात को आ जाती है, सर का दर्द होता है, मसल उसके अकड़ना शुरू हो जाते हैं, निज़ाम हाजमा उसका ख़राब हो जाता है, भूख कभी लगती है कभी भूख नहीं लगती, कभी वो ज़्यादा खा लेता है, और मुख्तलिफ़ तरीके से रोज़मर्रा ज़िंदगी से बड़ा मुतासर होता है। जो रोज़ के वाक़यात होते हैं उसका वो बहुत असर लेता है और उसको वो बहुत बड़ी चीज़ समझने लग जाता है और परेशानी का शिकार हो जाता है। बहुत सारे नौजवान तो ऐसी हालत में आ जाते हैं कि वो खुदकशी की तरफ माइल हो जाते हैं, बात बात पे सुसाइड, खुदकशी करना, बात बात के ऊपर जज्बातीपन का इजहार करना। डिप्रेशन के अंदर मैंने ये देखा है कि एक साहब की उम्र 60 साल थी, वो बच्चों की शादी अभी कर चुके थे, लेकिन डिप्रेशन का शिकार थे। वो कहते थे जी बस इससे तो मर जाना बेहतर है, अब मेरा ज़िंदा रहना बेहतर नहीं है, मैंने शादियां कर दी हैं। इसी तरह बहुत सारे नौजवान ऐसे थे जिनमें ये अलामत पाई जाती है, नींद की कमी, सर का दर्द, कभी आधे सर का दर्द, असाबी सर का दर्द, उजलाती थकावट वगैरह पाई जाती है, भूख नहीं लगती, ये नौजवानों भी हो जाता है। ये मसला स्टूडेंट के अंदर भी पाया जाता है। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं कि सर जी ये तीसरा दिन है मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मुझे सुकून नहीं है, परेशानी का शिकार हूँ। अब मैं डिप्रेशन की वजूहात बताता हूँ। डिप्रेशन की वजूहात यह है कि जो आदमी मौसम के साथ बदलता हो, कोई आदमी अगर गर्म मौसम में खुश रहता है तो वो ठंडा मौसम आ जाए तो उसका मिजाज बदल जाए, इसका मतलब है वो डिप्रेशन का शिकार है। बच्चे की माँ जब चार बच्चे पैदा कर लेती है, उन चार बच्चे पैदा करने वाली माँ में से एक माँ डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, मायूसी का शिकार हो जाती है, एंग्जाइटी का शिकार हो जाती है और बात बात पे वो खुदकशी करने की तरफ माइल होती है। अमेरिका में सर्वे कराया गया है कि हर जितने स्कूल हैं 2% स्कूलों के अंदर बच्चे 10 में से एक बच्चा जो है वो खुदकशी की तरफ माइल है। आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर बच्चे जो है पिस्तौल से 10-10 आदमियों को मार लेते हैं, वो सब डिप्रेशन का शिकार होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं। इस तरीके से कुछ बूढ़े लोग जो हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग दफातर के अंदर भी एक सर्वे कराया गया है, हर 20 में से दूसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार हो गया है। इस तरीके से बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि CSP अफसर जैसे लोग भी खुदकशियाँ कर रहे हैं, हालांकि उनकी तनख्वाहें भी अच्छी है। इस तरह बहुत से आला ख़ानदानों के चश्मोचरा भी खुदकशियाँ करते हैं, बहुत पढ़ी लिखी आला तालीम याफ्ता औरतें भी खुदकशी करती हैं, बहुत सारे डॉक्टर जो हैं हालांकि वो पढ़े लिखे हैं, उनकी तनख्वाह पैसे की कोई कमी नहीं है, तब भी खुदकशी करने में आ जाते हैं। मेरा अपना ये रुझान है कि वो लोग जो दीनी काम करते रहें, जो फलाही काम करते रहें, वो इस बीमारी से बच सकते हैं
वो लोग जो अपनी इबादत जारी रखें, अपने मजहब और अकैद के मुताबिक इबादत जारी रखें, वो इससे बच सकते हैं। अब जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये खुदकुशी का रुझान, डिप्रेशन का रुझान जितने ममालिक भी है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोपी ममालिक, सब में ये बीमारी पाई जाती है। अब मैं इसके इलाज की तरफ आता हूँ। मैं अपने तजर्बे की रूह से जितने भी ये दवाखाने हैं, कर्शी, हमदर्द, अजमल खान, इन सब ने खमीरा गोज़बान अमृत बनाया हुआ है। ये दिल और दिमाग को तकवियत देता है, खूब नींद लाता है और डिप्रेशन की अलामत गायब कर देता है, आदमी की भूख बढ़ाता है, आदमी जब खाता है उसके मसल भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद खमीरा सादा, ये भी सब ने बनाए हुए हैं, ये भी ये इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेरे तजर्बे के मुताबिक मेथी दाना बेहतरीन चीज़ है। आधा चमचा मेथी दाना कोई रात को भिगो के रखे, सुबह वो पानी भी पी ले और मेथी भी खा ले, तो उसको नींद भी खूब आ जाएगी और उसकी डिप्रेशन परेशानी ये कम हो जाएगी। इसके अलावा होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत अच्छा इलाज है। डॉक्टर मसूद एंड वालों ने HR16 निकाली हुई है, ये डिप्रेशन ख़त्म करती है, परेशानी ख़त्म करती है, ब्लड प्रेशर ये चीज़ें नॉर्मल करती है, नींद खूब लाती है, जिससे आदमी डिप्रेशन से हट जाता है। जर्मनी में डॉक्टर विल्मर श्वाबे ने PTK No. 66 निकाली हुई है, जिसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम को पीने से डिप्रेशन कम हो जाती है, आदमी की परेशानी हट जाती है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर किस्म की बीमारियों से महफूज करे, हमारी नौजवान नस्ल से डिप्रेशन ख़त्म करे, हमारे नौजवान बच्चों से डिप्रेशन ख़त्म करे, अल्लाह ताला मुल्क से करोना ख़त्म करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।